मैं अपील करती हूँ तमाम बालाई अफसरान से, मैं अपील करती हूँ तमाम अफसराने बाला से, सीएम से और तमाम गवर्नमेंट इदारे से, सीएम से, आईजी सिंध से, रेंजर्स और जो है एंटी करप्शन से, सबसे मैं और इन लोगों से मैं सबसे ऐसे बोला नहीं जा रहा, मैं बहुत तकलीफ में, मैं बहुत हमारी दरख्वास्त है सीएम सिंध से, डीजी रेंजर से, एडमिनिस्ट्रेटर कराची से, हमारी दरख्वास्त है हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं, डायरेक्टर इंक्रोचमेंट से हमारी दरख्वास्त है हमारी मदद कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी कहीं से कुछ भी मदद कर सकते हैं करें, हमारे चाचा के खिलाफ और जो है जिन लोगों ने उनके साथ घर तोड़ा है उनके खिलाफ FIR कटवाइए, उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाइए, हमें बस यही चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारी इतनी सी मदद कर दीजिए आप लोग। मेरी 7 बेटियां हैं, मेरी छत छिन गई है, मुझे घर चाहिए, मुझे वापस मेरा घर चाहिए, मैं छत से बेघर हो गई हूँ, घर से बेघर हो गई हूँ, मैं अपने बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ, मेरी 7 बेटियां हैं, मेरी मदद करें, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें, मैं तमाम वाले अफसरान से, गवर्नमेंट अफसरान से सबसे मैं कह रही हूँ सबसे मदद करें, सबसे अपील कर रही हूँ मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कोर्ट कचहरी और पुलिस को चक्कर लगाऊँ, थाने चक्कर लगाऊँ। एड्रेस बताएं अपने घर का। एरिया A290 से कराची मलीर, हम लोग की यहाँ रिहाइश है काला बोर्ड पे, हम लोग यहाँ रहते थे, हमें इन लोगों ने निकाल दिए और जो है निकालने के बाद हमारे घर का ये हाल किया है, और हमारा गैस का मीटर 8 महीने से काटा हुआ है ताकि ना ये रह सके, इतने परेशान कर रहे हैं बिजली के मीटर। नाम बताएं उन लोगों के जिन्होंने ये किया है। सुहाले मोहम्मद, जेठ के बेटे सलमान और इमरान और नंग के बेटा जुबैर, ये सब इन लोगों ने 8-9 अफराद लेकर आए और हमारे घर का अशर किया, पूरा महला का हुआ है, सुबह इन लोगों ने फजर के टाइम अंधेरे में ये काम किया है। और किसका नाम ले रहे हैं आंटी? एंटी इंक्रोचमेंट का नाम ले रहे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ना इन लोगों ने तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा, ना हमारे पास कोई गवर्नमेंट के कागजात है, ना कोर्ट के कागजात है, ना हमें कोई सवाल है, मोहम्मद अहमद जो देवर है जिन्होंने किया, जिनका हाथ है ये, और उन्होंने जो है ना ये मैं क्या कहते हैं गलत अंगूठा लेके ना मेरे ससुर से और ये घर अपने नाम किया, और ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने खरीदा, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ की बहू और मैं उससे पहले मेरी शादी हुई है, मेरे शौहर सबसे बड़े हैं यहाँ खानदान में, 2 जेठ का इंतकाल हो गया और ये झूठ बोल रहे हैं, और नाम हमें कोई कागजात दिखा रहे हैं कि देखे ये ना हमारे तक कोर्ट का आर्डर आया है, कुछ भी नहीं दिखाया और तोड़ा और ताड़ा और चले। अपना नंबर नोट कराएं, कोई पापा का नंबर नोट कराएं ताकि जो है वो 03462270415 ये मेरे वालिद का नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर आने के लिए पूछ सकते हैं पूरा पता। बहुत दरख्वास्त है आपसे, हमारी जो है मुश्किल आसान करें, हमारी परेशानियाँ, हम बहुत मुश्किल में हमारी मदद करें, और जो मैंने नंबर बताया है 03462270415 इस पर रब्ता कर सकते हैं आप लोग और हमारी मदद कर दें, हम लोग बहुत परेशान हैं। और मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरी बेटियां ही बेटियां हैं, मैं इतनी परेशान हो गई, मैं किस कहाँ लेके चल जाऊँगी, कहाँ नहीं ले गया, ये हमारा भाई सारा था, मेरा शोर यहाँ पर सप्लाई करते हैं, वो सारा 2.5 लाख का सामान सारा ख़राब कर दिया इन्होंने, इसका पैसा भी नहीं दिया हमने, सारा ख़राब पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो है वो सुनवाई हो सके इदारों में, हमारी से कोई हेल्प कर सके, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है, हम 7 बहनें हैं, हम थाने और पुलिस के चक्कर बार बार नहीं लगा सकते, बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के आप सब से रिक्वेस्ट है, कराची वालों से रिक्वेस्ट है, कराची वालों प्लीज़ हमारा साथ दें, हमारी इस मुश्किल में हमारा साथ दें, अल्लाह का वास्ते आप लोगों को शुक्रिया।